Hello everyone, this class is presented to you by Didymi IAS. In this class, we will continue with chapter 3, which we have already, you know, started in the previous classes. So in this class, we will continue with this chapter, which is of class 12 NCERT Modern India by Bipin Chandra. So the index of the book, there are 15 chapters and we have covered chapter 1, chapter 2, and we have already started with chapter 3. In fact, I have taken two classes. In the first class, we have covered the Portuguese. In the second class, we covered the Dutch. And in this class, we will begin with the British or the East India Company. So first of all, introduction. So जैसे कि हमने पिछली classes में देखा था कि जब जो Vasco da Gama है वो जब इंडिया आते हैं और वो बहुत ज़्यादा profits कमाते हैं तो ये सब चीज़ें देख के जो बाकी Europeans हैं जो बाकी European states हैं वो भी tempt हो जाते हैं कि हमें भी profits कमाने हैं हमें भी इंडिया के साथ directly जो कि है trade वो करनी है तो सिमिलरली जो इंग्लिश ट्रेडर्स हैं वो भी टेम्प्ट हो जाते हैं एंड फाइनली इन द ईयर 1599 प्लीज रिमेंबर द ईयर ठीक है तो 1599 में कुछ इंग्लिश मर्चेंट्स क्या बनाते हैं एक कंपनी बनाते हैं वो खुद को मर्चेंट एडवेंचरर्स बोलते हैं और एक कंपनी बनाते हैं जो कि आगे जाके ऑब्वियसली टर्न्स आउट टू बी ईस्ट इंडिया कंपनी तो ऐसे करके कुछ इंग्लिश मर्चेंट्स इन द ईयर 1599 एक कंपनी बनाते हैं और बाद में 1600 में इन द ईयर 1600 क्वीन एलिजाबेथ वन वो एक चार्टर इशू करते हैं और इस कंपनी को राइट्स दे देते हैं कैसी राइट्स दे देते हैं राइट्स ऑफ एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग इस कंपनी को राइट्स दे देते हैं कि केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में जो भी कंट्रीज हैं वहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव राइट्स हैं ट्रेड करने की तो जो जब हमने पोर्चुगीज वाला चैप्टर पढ़ा था उस टाइम पे मैप में आई शोड यू केप ऑफ गुड होप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बिल्कुल साउथ में है देयर इज दिस केप ऑफ गुड होप जहाँ पे यू नो जो वास्को डी गामा ने ट्रेड रूट ढूंढा था फ्रॉम यूरोप टू इंडिया दैट वॉज वाया द केप ऑफ गुड होप तो जो केप ऑफ गुड होप है उसके ईस्ट में जो भी कंट्रीज हैं वहाँ पे है, जो है ये कंपनी एक्सक्लूसिवली उनको ट्रेडिंग राइट्स जो है वो दे दी जाती है तो 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन ये जो चार्टर है वो इशू करते हैं सो इनिशियली दिस मोनोपली वॉज ऑफ ओनली 15 ईयर्स तो इनिशियली ये जो चार्टर इशू होता है कि ठीक है ये जो भी कंपनी है आपको एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स है आपके पास आप जितना ट्रेड करना चाहो आप कर सकते हो आपके पास ये राइट्स है तो इनिशियली ये राइट्स सिर्फ उनको 15 ईयर्स के लिए मिलती हैं बट देन अगेन इन 1609 But then again in 1609, it was extended indefinitely by a fresh charter. तो starting में तो सिर्फ 15 years के लिए ही उनको ये rights मिलते हैं उनको ये trading rights मिलते हैं But फिर उसके बाद ये जो rights है ये indefinitely extend कर दिए जाते हैं As the Dutch were already concentrating more on the East Indies, the English turned to India in search of textiles and other commodities of trade. तो जैसे कि हमें पता है हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो डच थे उनका ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ पे था इंडोनेशिया के साथ उनकी जो ट्रेड थी तो डच का कंसंट्रेशन उधर था तो इंग्लिश जो है वो किधर की तरफ अपना कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं टुवर्ड्स इंडिया इन सर्च ऑफ टेक्सटाइल्स एंड अदर कमोडिटीज ऑफ ट्रेड So now we will see progress of the English company. तो इस क्लास में हम बेसिकली किस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि पूरे इंडिया में इंग्लिश ने कहाँ कहाँ पे अपना जो है एक्सपैंड अपने जो एरियाज हैं अपने जो ट्रेडिंग सेटलमेंट्स हैं उनको कहाँ कहाँ पे एक्सपैंड किया कैसे उन्होंने साउथ से स्टार्ट किया देन दे एक्सपैंडेड देयर एरियाज टू द वेस्ट टू द ईस्ट बंगाल में बेसिकली और कुछ फरमान्स थे जैसे कि फारूक सियार ने फरमान इशू किए थे जिनके अकॉर्डिंग इनको काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स यहाँ पे मिल गई थी तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे अब जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इंग्लिश के जैसे कि कार्नाटिक वॉर्स होते हैं जो कि इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में ये सारे वॉर्स होते हैं वो हम तब देखेंगे जब हम फ्रेंच पढ़ेंगे होपफुली इन द नेक्स्ट क्लास तो इसमें हम मेन फोकस किस पे करेंगे प्रोग्रेस ऑफ द इंग्लिश कंपनी
सो फर्स्ट वी विल स्टडी फुटहोल्ड इन साउथ एंड वेस्ट. तो साउथ और वेस्ट में उन्होंने कहाँ कहाँ पे फैक्ट्रीज बनाई, कहाँ कहाँ पे उन्होंने ट्रेडिंग सेटलमेंट्स अपनी करी, दैट वी विल सी नाउ. सो कैप्टन हॉकिंस अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन अप्रैल 1609. तो होता ये है कि इन द ईयर 1609 एक कैप्टन थे, कैप्टन विलियम हॉकिंस, वो जहांगीर के कोर्ट में आते हैं. उनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेजेस, यू नो, काफ़ी ज़्यादा राइट्स हैं इनसे ले लूँगा. बट वो जो उनकी उम्मीद होती है वो पूरी नहीं हो पाती. उनका बेसिकली उनका मिशन होता है कि वो उनसे राइट्स ले लेंगे टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत. इस उम्मीद के साथ वो आते हैं कि जो जहांगीर है वो उनको अलाउ कर देंगे टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत. लेकिन उस टाइम पे पोर्चुगीज भी थे, जो सूरत एक जगह थी ना उसमें ऑलमोस्ट सारी यूरोपियन पावर्स वहाँ पे उनका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस था. तो अब पोर्चुगीज का ऑलरेडी सूरत में इन्फ्लुएंस था, तो उनको अब प्रॉब्लम होएगी कि अगर इंग्लिश भी आ गए तो हमारी ट्रेड पे इफेक्ट पड़ेगा. तो जब कैप्टन हॉकिंस आते हैं जहांगीर के कोर्ट में तो पोर्चुगीज को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, वो इस चीज़ को अपोज करते हैं. तो इस वजह से जो कैप्टन हॉकिंस की ये जो इच्छा थी कि हमें सूरत में फैक्ट्री बनाने के राइट्स मिल जाएं, तो वो उनको मिल नहीं पाते. किस चीज़ की वजह से? ओपोजिशन फ्रॉम द पोर्चुगीज. ये चीज़ हमने पोर्चुगीज जब हमने स्टडी किए थे तब भी हमने देखी थी कि जो पोर्चुगीज हैं उनका डिक्लाइन बेसिकली तब भी होता है या फिर उनकी जो एक तरह से दूरी आ जाती है मुगल्स के साथ, वो तब आती है जब जो जैसे ये जहांगीर है वो इनको कुछ ट्रेडिंग राइट्स देते हैं इंग्लिश को, तो पोर्चुगीज को बुरा लगता है. उस वजह से ये जो पोर्चुगीज और मुगल का रिलेशनशिप है वो थोड़ा खराब होना स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो कैप्टन हॉकिंस आते हैं इन द ईयर 1609, तो उनको फैक्ट्री बनाने की तो परमिशन मिलती नहीं, लेकिन कुछ और जो है कुछ थोड़े बहुत प्रिविलेजेस उनको मिल जाते हैं. फिर उसके बाद 1611 में, अब जैसे जैसे हम देखते जाएंगे ना कि इस ईयर में इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री बनाई, इस ईयर में इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री बनाई, तो अच्छे से वो याद करते जाना. तो फिर 1609 में वो आते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस. फिर 1611 में वो क्या करते हैं इंग्लिश, दे स्टार्ट ट्रेडिंग एट मसूलीपट्टनम. मसूलीपट्टनम कहाँ पे है? पहले हमने दिखाया देखा था मैप में आंध्र प्रदेश में, राइट? तो वो मसूलीपट्टनम में ट्रेडिंग करनी शुरू कर देते हैं और लेटर दे ऑल्सो एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री देयर इन 1616. तो ये पहली फैक्ट्री नहीं है, पहली फैक्ट्री उनकी मसूलीपट्टनम में नहीं है, वो कहीं और थी, हम अभी देखेंगे. लेकिन बाद में मसूलीपट्टनम में वो कब फैक्ट्री बनाते हैं? इन द ईयर 1616. तो ये आपको याद रखना है कि जो इंग्लिश है उनकी मसूलीपट्टनम में भी एक फैक्ट्री थी जो कि उन्होंने कब स्टैब्लिश करी थी, इन द ईयर 1616. सो इट वॉज इन 1612. जो 1609 में पहले कौन आए थे? विलियम हॉकिंस. अब 1612 में कौन आते हैं? कैप्टन थॉमस बेस्ट. ये भी आपको नाम याद रखने हैं, स्टेटमेंट्स में कभी कभी आ जाता है. तो फिर 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट ही डिफीट्स द पोर्चुगीज इन द सी ऑफ सूरत एंड इम्प्रेस्ड जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू द इंग्लिश इन अर्ली 1613 टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत अंडर थॉमस एल्डवर्थ. ठीक है, तो जो मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री है वो 1616 में बनी, तो पहली फैक्ट्री फिर कहाँ पे बनी? सूरत में, इन द ईयर 1613. परमिशन किसने दी? जहांगीर ने. ठीक है, कोर्ट में कौन आए थे? कब देते हैं? जब थॉमस बेस्ट किसको डिफीट करते हैं? पोर्चुगीज को. ठीक है, तो पहली फैक्ट्री कहाँ पे बन गई? 1613 में एट सूरत अंडर थॉमस एल्सवर्थ, राइट? अब नाउ इन द ईयर 1615 सर थॉमस रो केम एज एन एक्रेडिटेड एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर एंड सिक्योर अ नंबर ऑफ प्रिविलेजेस इंक्लूडिंग परमिशन टू सेट अप फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद एंड बरोच. ठीक है, तो कहाँ से शुरू किया? पहले सूरत में फैक्ट्री बना ली. ठीक है, 1613 में, 1616 में मसूलीपट्टनम में. उसके अलावा फिर इनको परमिशन कहाँ कहाँ पे मिल जाती है फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए? आगरा में, अहमदाबाद में और बरोच में. अब कौन आते हैं? सर थॉमस रो, ही कम्स एज एन एम्बेसडर ऑफ देयर किंग जेम्स वन. तो इनकी काफ़ी जहांगीर के साथ पट जाती है क्योंकि इनको शायद टर्किश भी आती थी,
तो उस वजह से जहांगीर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं इनसे और इनको काफी ज्यादा प्रिविलेजेस जो है ग्रांट कर देते हैं। तो आप समझ रहे हो ना हम क्या पढ़ रहे हैं, जो इंग्लिश है उन्होंने कैसे कैसे अपनी जो एक्सपेंशन करनी शुरू करी, बेसिकली अपनों कैसे अपने आप को कैसे यहाँ पे एस्टैब्लिश करना शुरू किया। सूरत हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, धीरे 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 वो जो है राइट्स या प्रिविलेजेस मांगते जा रहे हैं। कभी जहांगीर के कोर्ट में हॉकिंस आते हैं, कभी थॉमस बेस्ट जब डिफीट करते हैं तब उनसे इंप्रेस हो जाते हैं जहांगीर और प्रिविलेजेस दे देते हैं, फिर उनके कोर्ट में सर थॉमस रो आते हैं। तो ऐसे ऐसे करके वो खुद को एस्टैब्लिश कर रहे हैं और अपना जो एक जो ट्रेडिंग एरियाज है उनको एक्सपैंड कर रहे हैं, राइट। बट द इंग्लिश कंपनी डिड नॉट हैव अ स्मूथ प्रोग्रेस, दैट इज सो ऑब्वियस, क्योंकि और यूरोपियन पावर्स भी यहाँ पे हैं, पोर्चुगीज है, डच है, उनके साथ ऑब्वियसली इनके जो है कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट होते हैं साथ साथ में, वो तो होंगे, जैसे कि हमने सूरत में देखा भी, वहाँ पे पोर्चुगीज भी थे, वहाँ पे डच भी थे, तो सारी यूरोपियन पावर्स ऑलमोस्ट वहाँ पे थी, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होने ही थे। बट द चेंजिंग सिचुएशंस हेल्प्ड देम एंड टर्न्ड थिंग्स इन देयर फेवर, द इंग्लिश कंपनीज पोजिशन वॉज इम्प्रूव्ड बाय द गोल्डन फरमान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो अभी तो अपने इतनी जगह देख ली कि यहाँ पे इनको प्रिविलेजेस मिल गए फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए, आगरा, अहमदाबाद, बरोच, सूरत, मसूलीपट्टनम। अब एक और जो चीज़ इनके फेवर में आती है वो है गोल्डन फरमान, जो कि कौन इशू करते हैं, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा इन द ईयर 1632। तो 1632 में ये जो सुल्तान ऑफ गोलकोंडा है वो एक गोल्डन फरमान इशू करते हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऑन दी पेमेंट ऑफ 500 पगोडास, पगोडास बेसिकली उस टाइम पे करेंसी थी, ऑन दिस पेमेंट उनको क्या प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, टू ट्रेड फ्रीली इन द पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा, राइट। तो अब गोलकोंडा भी क्योंकि हम साउथ ही पढ़ रहे हैं तो ये साउथ में ही है, तो टू ट्रेड फ्रीली इन द पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा, ये किसके अंडर इनको परमिशन मिलती है, अकॉर्डिंग टू द गोल्डन फरमान विच वॉज इशूड बाय द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा इन द ईयर 1632, ठीक है। तो अब गोलकोंडा में भी इनको प्रिविलेजेस मिल गए। नाउ द ब्रिटिश मर्चेंट फ्रांसिस डे इन 1639 रिसीव्ड फ्रॉम द रूलर ऑफ चंद्रगिरी परमिशन टू बिल्ड अ फोर्टिफाइड फैक्ट्री एट मद्रास, जो कि आगे जाके क्या बन जाता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो 1639 में किसको परमिशन मिल रही है, फ्रांसिस डे को परमिशन मिल रही है। कौन दे रहे हैं परमिशन, द रूलर ऑफ चंद्रगिरी क्या परमिशन देते हैं, टू बिल्ड अ फोर्टिफाइड फैक्ट्री एट मद्रास। तो मद्रास में भी इनको फैक्ट्री बनाने की परमिशन मिल जाती है और ये जो फैक्ट्री है मद्रास में वो लेटर ऑन क्या बन जाता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो अभी आपको कोई पूछेगा तो पहला फोर्ट इन्होंने कौन सा बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज, और वो कहाँ पे है, मद्रास में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एंड रिप्लेस्ड मसूलीपट्टनम एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंग्लिश सेटलमेंट इन साउथ इंडिया। मसूलीपट्टनम में उन्होंने कब फैक्ट्री बनाई थी, 1616 में। अब क्योंकि इनको एक फोर्ट सेंट जॉर्ज बना लेते हैं मद्रास में, तो अब उनका जो एक हेडक्वार्टर है साउथ में, जो कि पहले मसूलीपट्टनम था, अब वो क्या बन जाता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। देयर आफ्टर द इंग्लिश एक्सटेंडेड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज टू द ईस्ट। अब वो धीरे धीरे ईस्ट की तरफ जाते हैं, जहाँ पे वो कहाँ पे फैक्ट्रीज बनाते हैं, एट हरिहरपुर इन द महानदी डेल्टा एंड एट बालासोर इन ओडिशा इन 1633। तो ईस्ट में कहाँ तक जाते हैं, वो हरिहरपुर हो गया एंड बालासोर हो गया। तो ये था साउथ और ईस्ट में बेसिकली कहाँ कहाँ इन्होंने फैक्ट्रीज बनाई, ठीक है। तो ये सूरत है यहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश का देयर फ्लैग, सो देयर इज मद्रास। तो ये जो सारी है, हुगली हम आगे देखेंगे, तो ये जो सारी है बेसिकली इनकी ट्रेडिंग सेटलमेंट्स जो कि वो थी। नाउ फुट होल्ड इन बंगाल। अब बंगाल में भी इनको एस्टैब्लिश करते हैं, हमने देखा है, एक हमने क्लास ली थी जिसमें हमने बैटल ऑफ पलासी देखा था, जब फाइनली वो पूरी तरह से जो बंगाल के नवाब थे उनको हरा देते हैं और वहाँ पे पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो जाते हैं। तो जो बंगाल है वो बहुत ही एक यू नो इट वॉज अ लार्ज एंड अ रिच प्रोविंस, जो कि ट्रेड के लिए बहुत यू नो ट्रेड में काफ़ी इनको
एक काइंड ऑफ काफी प्रॉफिट्स मिलते, क्योंकि काफी रिच प्रोविंस था वो, ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो काफी एक अट्रैक्टिव प्रोविंस था। इसीलिए कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर बंगाल नेचुरली अपीयर्ड एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन टू द प्रॉफिट सीकिंग इंग्लिश मर्चेंट्स। तो उनको पता था कि अगर बंगाल उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया तो वो उनकी ट्रेड में उनको काफी ज्यादा एक प्रॉफिट्स बनेंगे, एक काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड उनको मिलेगा। तो होता क्या है कि जो शाह सूजा है, हु वॉज द सूबेदार और गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1651, अलाउड द इंग्लिश टू ट्रेड इन बंगाल। तो सबसे पहले इनको अलाउ करते हैं ट्रेड बंगाल में ट्रेड करने के लिए, कौन अलाउ करेंगे? शाह सूजा इन द ईयर 1651। फैक्ट्रीज इन बंगाल वर स्टार्टेड एट हुगली, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया। तो बंगाल में उनकी फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे होती हैं? हुगली में हो गई एंड कसीम बाजार, पटना एंड राजमहल। तो बंगाल पे यहाँ पे इनकी जो है फैक्ट्रीज वो बन जाती हैं। इन परसुएंस ऑफ इट्स चेंज्ड पॉलिसी द कंपनी वांटेड टू हैव अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट एट हुगली सो दैट फोर्स कुड बी यूज्ड इफ नेसेसरी। तो अब इनको परमिशन तो मिल जाती है, ठीक है, ये फैक्ट्रीज भी बना लेते हैं, बट बाद में ऑब्वियसली क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं तो इनको होता है कि एक डिफेंस मैकेनिज्म अपना बढ़ाने के लिए वो परमिशन मांगते हैं कि हमें हमारी जो फोर्टिफिकेशन है वो अलाउ कर दो। तो जो एक विलियम हेजेस होते हैं, द फर्स्ट एजेंट एंड गवर्नर ऑफ द कंपनी इन बंगाल, वो अपील करते हैं शेस्ता खान को, द मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल, कि हमें ये फोर्टिफिकेशन अलाउ कर दो, हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्लीज अलाउ, जो फोर्टिफिकेशन है वो हमें करनी अलाउ कर दो। लेकिन वो इनको ये अलाउ नहीं करते और इस वजह से इनके बीच में जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आगे जाके बढ़ते 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 हमें जो पता है कि बैटल ऑफ प्लासी होती है इन द ईयर 1757। उसके अलावा इन द ईयर 1691 अ रॉयल फरमान इज इशूड बाय मुगल एम्परर औरंगजेब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी इज नाउ एग्जेम्प्टेड टू पे कस्टम ड्यूटीज इन बंगाल। अब देखो हो क्या रहा है, जो तो ये है शेस्ता खान वो तो इनको अलाउ नहीं करते फोर्टिफिकेशन, और जो शाह सूजा भी है वो भी इनको ट्रेड करने के लिए अलाउ करते हैं, बट उनको है कि प्रॉपर आपको जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जो औरंगजेब है, जो कि एक मुगल एम्परर है, वो एक रॉयल फरमान इशू कर देते हैं और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एग्जेम्प्ट कर देते हैं ऑन पेइंग कस्टम ड्यूटीज। उनको बोलते हैं कि आपको कस्टम ड्यूटीज देने की ही जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हो मुगल एम्परर ने, जो सबसे ऊपर बैठा है जो एम्परर, उसने बोल दिया कि ठीक है कोई जरूरत नहीं है कुछ भी पे करने की, लेकिन जो बंगाल में अथॉरिटी है वो इस चीज के साथ अग्री नहीं कर रही है। तो ये जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इंग्लिश के वो स्टार्ट हो जाते हैं, और अगेन ऑब्वियसली आई हैव टू रिपीट इट अगेन, ये आगे बढ़ते बढ़ते फिर क्या होती है, बैटल ऑफ पलासी, जिसमें फाइनली इंग्लिश जीत जाते हैं और बंगाल में एक प्रॉपर अथॉरिटी जो है उनकी बन जाती है। सो दिस वॉज अबाउट बंगाल। नाउ वी विल स्टडी फारूक सियार्स फरमान। तो फारूक सियार कौन थे? हमारे मुगल एम्परर थे, औरंगजेब के बाद आए थे, हमने चैप्टर वन में ही देखा था, लेटर मुगल्स जिनको हम बोलते हैं, औरंगजेब के बाद जो मुगल्स आए थे, तो फारूक सियार हमारे मुगल एम्परर थे। तो इन द ईयर 1715 एन इंग्लिश मिशन लेड बाय जॉन सरमन टू द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर फारूक सियार, ठीक है, विलियम हॉकिंस किसके कोर्ट में आए थे? जहांगीर के कोर्ट में। अब ये जो जॉन सरमन है ये किसके कोर्ट में आते हैं? फारूक सियार में। एंड ही सिक्योर्स थ्री फेमस फरमान गिविंग द कंपनी मेनी वैल्यूएबल प्रिविलेजेस इन बंगाल, गुजरात और हैदराबाद। अब देखो कहाँ पे ये पहुंच चुके हैं, बंगाल में तो थे, गुजरात और हैदराबाद में भी इनको काफी ज्यादा वैल्यूएबल प्रिविलेजेस जो है वो मिल जाते हैं। कब मिलते हैं? जब 1715 में जॉन सरमन जो है किसके कोर्ट में जाते हैं? फारूक सियार के कोर्ट में। द फरमान्स दस ऑब्टेन्ड वर रिगार्डेड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। ये इतने इम्पॉर्टेंट इनको इस फरमान के थ्रू प्रिविलेजेस मिले थे कि इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है ऑफ द कंपनी। अब क्या था इस फरमान में? द इम्पॉर्टेंट टर्म्स वर इन बंगाल द कंपनीज इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एडिशनल कस्टम ड्यूटीज। तो बंगाल में उनके जो भी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर अब से जो कस्टम ड्यूटीज हैं वो नहीं लगेंगी।
The company was permitted to rent more lands around Calcutta. In Hyderabad, the company retained its existing privilege of freedom from duties in trade. Hyderabad mein bhi inko ye similar right mil jati hai and had to pay the prevailing rent only for Madras. To sirf Madras ke liye ab inko rent pay karna hai, Hyderabad ke liye koi zarurat hai hi nahi. In Surat, for an annual payment of 10,000 rupees, the East India Company was exempted from the levy of all duties. So, Surat mein bhi jo inko sari duties thi, unse inko exemption mil jati hai. It was decreed that the coins of the company minted at Bombay were to have currency throughout the Mughal Empire. Ye sabse bada jo ek privilege hai, wo Farooq Siyar ke farman ke through English ko milta hai. Aur wo kya tha? Apni currency hi mint karne ko allow kar dete hai. Abhi jo Farooq Siyar the, inko ek, you know, kind of pagle raja bola jata hai. Because he wasn't, you know, an efficient administrator. तो सोचो ये कैसा प्रिविलेज ग्रांट कर देते हैं इंग्लिश को कि उनको बोल देते हैं कि आप अपनी करेंसी ही मिंट कर सकते हो, वो अपनी करेंसी ही खुद बना रहे हैं. तो ऐसे प्रिविलेजेस की वजह से ही आगे जाके जो इंग्लिश है वो सबको डिफीट करती है और इतने साल तक उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया. तो ये जो कॉइन्स मिंट करने की परमिशन इनको मिलती है वो फारूक सियार के फरमान के थ्रू मिलती है. जब कौन आते हैं किसके कोर्ट में, जॉन सरमन आते हैं फारूक सियार के कोर्ट में. तो क्या देखा हमने अभी तक, कैसे ये जो कंपनी है बनती है 1599 में. 1600 में क्वीन एलिजाबेथ चार्टर इशू करते हैं कि केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में जितने भी एरियाज हैं वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो. और वो जो रॉयल फरमान है वो यू नो एक्सटेंड हो जाता है बाद में इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए. तो ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आती है. वो अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनाती है, 1613 में सूरत में बनाती है. फिर मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाते हैं. सिमिलरली एक्सपैंड करते करते वो बंगाल में पहुँच जाते हैं, वहाँ पर खुद को इस्टेब्लिश करते हैं. फिर फारूक सियार का फरमान है, गोलकोंडा के सुल्तान का एक फरमान है. तो ऐसे करते करती अब ये जो इंग्लिश है इन्होंने खुद को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिया है. अब इसके बाद फ्रेंच आएंगे. फ्रेंच के साथ इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होएंगे. कार्नाटिक वॉर्स होएंगे. देयर विल बी फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, सेकंड कार्नाटिक वॉर, थर्ड कार्नाटिक वॉर, जिसमें बैटल ऑफ वेंडिवॉश पढ़ेंगे हम, 1760 में हुआ था, जो जिसमें फाइनली फ्रेंच हार गए थे. और उसके बाद जो इंग्लिश सुप्रीमेसी है वो शुरू हो जाती है. उसके बाद इतने सालों तक जो इंग्लिश है वो यहाँ पे रूल करते हैं और उनको ओपोजिशन देने वाला, उनके साथ आगे से कॉन्फ्लिक्ट करने वाला कोई भी नहीं बचता. तो उस टाइम पे फिर जो इंग्लिश है वो सुप्रीम, यू नो, एक सुप्रीम पावर बन जाते हैं और यहाँ पे रूल करते हैं. तो ये जो सारा फ्रेंच है, कार्नाटिक वॉर्स है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. बट उससे पहले कुछ सैम्पल MCQs देख लेते हैं. The first is, during the time of which Mughal emperor did the East India Company establish its first factory in India? तो कौन से मुगल एम्परर के टाइम पे इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री बनाई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब. तो ये हमने पढ़ा है अभी, जहांगीर के टाइम पे जो इंग्लिश है वो अपनी पहली फैक्ट्री है इंडिया में बनाते हैं. Which of the following was the first fort constructed by the British in India? पहला fort कौन सा था? So it is Fort Saint George. अब ये जो बाकी forts हैं, Fort Williams, Fort Saint David, Fort Saint Angelo. तो आपका ये homework है कि आपको check करना है कि कहाँ पे थे ये. Fort Saint George तो हमने देख लिया, ये कहाँ पे था? मद्रास पे. Fort Williams कहाँ पे था, Fort Saint David कहाँ पे था और Fort Saint Angelo कहाँ पे था, ये आपको खुद देखना है. So this is your homework. Next question is, in the year 1613, where was the East India Company given permission to set up a factory? 1613 में कहाँ पे इनको अलाउ हुई थी फैक्ट्री बनाना? So it was at ऑप्शन ए, दैट इज सूरत. मसूलीपट्टनम में तो इन्होंने 1616 में बनाई थी. तो ऐसे कुछ सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं. लेकिन अगर आपको आपको ये पता है कि ठीक है सूरत में इंग्लिश की फैक्ट्री थी, लेकिन अगर आपको ईयर नहीं पता होएगा कि सूरत में कौन से ईयर में बनी थी फैक्ट्री, तो फिर आपका ये जो आंसर है गलत हो जाएगा. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द फ्रेंच कंपनी. ओके, सो आई होप इट is clear to you all. Thank you very much.